चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे तो राजधानी रायपुर स्थित रेलवे स्टेशन का पार्किंग अब यात्रियों और उनके परिजनों के लिए सिरदर्द बना है। पार्किंग ठेकेदार और उसके गुर्गे धमकी चमकी और गाली गलौज कर अनाप शनाप वसूली करते हैं, तो दूसरी ओर इस मामले में जिम्मेदार रेलवे और आरपीएफ के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रेलवे ने राजधानी के स्टेशन पार्किंग का ठेका आसिफ मेनन नामक ठेकेदार को दिया है। पार्किंग ठेका में यह निर्धारित है कि बाइक 5 मिनट और कार 7 मिनट तक रखे जा सकते हैं। इसके बाद वे निर्धारित पार्किंग का शुल्क जमा करेंगे। वहीं निर्धारित पार्किंग स्थल से अलग स्थान पर गाड़ियां पार्क होने पर बाइक पर 50 रुपए और कार पर 100 रुपए तक का चालान वसूला जा सकता है। इसी की आड़ में पार्किंग ठेकेदार जमकर उगाही कर रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि चालान की राशि वसूलने का कार्य सरकारी एजेंसी कर सकती है, न कि पार्किंग ठेकेदार। इसे लेकर रेलवे के अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जब से पार्किंग का ठेका हुआ है तब से ठेकेदार के आदमी लोहे के बड़े बड़े लॉक लेकर परिसर में घूम रहे हैं और अनाप शनाप वसूली कर रहे हैं। किसी से 500 तो किसी से 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। आज भी रेलवे स्टेशन में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। रेलवे स्टेशन में पार्किंग आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि गाड़ियाँ खड़ी होती है तो उनसे पार्किंग शुल्क तो वसूला जाता है, साथ ही चालानी कार्रवाई भी होती है। और इसे लेकर जो है पार्किंग ठेकेदार के आदमियों के साथ जो है यात्रियों के वजन की लगातार रोज बहस होती है। अभी अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर बहस हो रही थी। कुछ लोग भी हैं जिनकी कारों में लगा हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या क्या बहस हो रही थी? भैया पार्किंग का मांग रहे 500 रुपये फाइन। यहाँ पर 2 मिनट लगा के गया, कुछ बताया नहीं और वहाँ बोलते कि 500 रुपये फाइन दो। क्या जायज है ये फाइन मांग रहे? बिल्कुल नहीं है भैया। क्या चालानी राशि बोल रहे हैं इसको इन लोग? हाँ चालान। क्या लगता है ये तो रेलवे जो शासकीय अधिकारियों का काम होता है चालान वसूलना, क्या इन लोग पार्किंग वाले वसूल सकते हैं? नहीं भैया ये तो कोई इनका वो मेरे को दिखता नहीं है क्या है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों से 100 नहीं 500 रुपए हालांकि लिखा हुआ है जो इनके जो बोर्ड है। आप भी आए हो यहाँ पर, क्या शिकायत है? शिकायत मेरी ऐसा है कि सर किसी एक के साथ मतलब नहीं करना चाहिए। जैसे कोई दूसरा भी है किसी को छोड़ देते हैं, किसी से ले लेते हैं। मतलब रुपया मांग रहे हैं आपसे? मेरे से सर मेरे 100 रुपए मांग रहे हैं। उनसे 500 रुपए मांग रहे हैं, आपसे 100 मांग रहे हैं? 100 मांग रहे हैं मेरे से। इनसे 100 रुपए मांग रहे हैं, आपसे क्यों 500 मांग रहे हैं? पता नहीं, बोलते हैं 500 रुपए रसीद कटाना तो बोलते 500 रुपए नहीं तो 100 रुपए दे के ऐसे ही चले जाओ बोलते हैं। ये दोनों गाड़ियां देख सकते हैं, एक गाड़ी यहां लगी है, इनसे 500 रुपए की डिमांड हो रही है, उनसे जो एक गाड़ी बाजू में खड़ी है उनसे 100 रुपए की डिमांड हो रही है। इस प्रकार से जो है चालानी कार्रवाई यहां पर होती है और रोज बहस भी होती है। हालांकि हम यहां खड़े हैं तो किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, लेकिन बताया जा रहा है कि यदि ना रहे कोई तो जो लोग आते हैं यहां पर जिनकी गाड़ियां खड़ी होती है उनके साथ मारपीट तक की नौबत आ जाती है, गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। कहीं ना कहीं रेलवे को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पार्किंग का ठेका दिया गया है, ना कि जबरिया वसूली का ठेका दिया गया है, गुंडागर्दी करने का ठेका दिया गया है। कैमरामैन रिजवान कुरैसी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो रेलवे स्टेशन पार्किंग में मनमानी देखी किस तरह से देखी जा रही, ज्यादती से परेशान है स्टेशन आने वाले जो तमाम यात्री होते हैं और इस तरह की मनमानी लंबे समय से जारी। किसी से बाइक वालों से 50 रुपए वसूले जाते हैं तो 100 रुपए कार वालों से वसूले जा रहे हैं। ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए यहां देखे जा रहे हैं। तो पार्किंग ठेकेदार मनमानी करते हैं, कई बार तो 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए 1500 रुपए तक मांगे जा रहे हैं इन तमाम लोगों से। और अब देखना होगा अनाप शनाप जिस तरह से पैसा कमाने का ये धंधा इन लोगों ने शुरू किया है, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम रेलवे की यहां पर यार्ड में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जो पैसे नहीं देते हैं उनकी गाड़ी में व्हील स्टॉपर भी लगा दिया जाता है। तो पार्किंग शुल्क की जगह चालानी जो शुल्क है वो वसूला जा रहा है। हालांकि चालानी शुल्क वसूलना कहीं ना कहीं कानून के दायरे में नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से वसूलना जाहिर तौर पर मनमानी इसे कहा जा रहा है। मनोज नायक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। ये मनमानी का जो तरीका अपनाया जा रहा है ठेकेदारों की ठसक इसे कह सकते हैं, और हमने देखा कि व्हील स्टॉपर तक लगा दिया गया है कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपकी गाड़ियों को भी अब आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्या जानकारी इसको लेकर? निश्चित रूप से जब से रायपुर रेलवे स्टेशन का नया ठेका हुआ है तो यहाँ पर एक नई तरीके की मनमानी, गुंडागर्दी या बोल दीजिए दुर्व्यवहार जो है यात्रियों और यात्रियों के परिजनों के साथ होता है। जब वे यहाँ पर अपने परिजनों को छोड़कर बाहर निकलते हैं तो वे अलग ही शॉक्ड हो जाते हैं कि इस तरीके से गाड़ियों पे जो है
बड़े बड़े लॉक लग रहे थे जो कि जो ट्रैफिक पुलिस जैसे कि शहर में लगाती है उस तरीके से ये नजारा जो यहाँ पर देखने को मिलता है। कल भी जब हम आए थे यहाँ पर तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। कई यात्रियों ने यह शिकायत की कि उनसे मनमाना जो है पैसा मांगा जा रहा है। यहाँ पर बोर्ड हालांकि लगे हुए हैं कि बाइक वाले यदि उल्लंघन करते तो 50 रुपया और कार वाले उल्लंघन करते तो उनसे 100 रुपया लिया जाएगा। और कल यह खबर जो है INH हरिभूमि ने प्रमुखता के साथ प्रसारित और प्रकाशित की थी और इसका असर यह हुआ कि कहीं ना कहीं जो है DRM ऑफिस में आज हड़कंप मचा है। हालांकि सभी अधिकारी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और 12 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन में जो है सीनियर DCM और RPF के जो मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं संजय गुप्ता उनकी यहाँ एक मीटिंग होने वाली थी 12 बजे लेकिन इसे अभी टाल दिया गया है। 4 बजे यह मीटिंग होगी। लेकिन आपको रायपुर रेलवे स्टेशन का नजारा दिखाऊंगा कि यहाँ पर सारे जो पार्किंग के जो गेट हैं जहाँ पर स्टाफ वसूली करते हैं और इस प्रकार से जो है लॉक लेकर घूमते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो है एक तरीके से जो चालानी कार्रवाई का इन्हें अधिकार दिया गया है वह किस बेस पर दिया गया प्राइवेट संस्था को यह समझ में नहीं आता। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें प्रावधान किया गया नए ठेके में कि जो भी चालानी राशि होगी उसमें से 20 से 30 रुपये जो है पार्किंग ठेकेदार रखेगा, बाकी जो है रेलवे के रेलवे विभाग में जमा करना होगा। लेकिन जो मनमाने वसूली हो रही है जैसे कल आपने सुन भी लिया कि किसी से 500 मांगा जा रहा है, किसी से 1000 और कुछ लोग हमसे लगातार भी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है मनमानी देखने को मिल रही है, गुंडा। लेकिन मनोज ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार मेन सरगना कौन है, कौन लीडर है इनका, इन सबको जो रख रहा है और इस तरह से मनमानी पर जो फीस है कह सकते हैं वसूली जा रही है, कौन है वो? जी निश्चित रूप से जो ठेकेदार है जिसे ठेका मिला है आसिफ मेमन यदि उसकी सह पर ही उसके जो कहीं ना कहीं जो है आदमी है वे लगातार गुंडागर्दी करते हैं। क्योंकि देखिए कोई आदमी यहाँ पर अपने परिजनों को छोड़ने आता है वह अकेला आता है और जो पार्किंग ठेकेदार के जो आदमी है वो 30 से 40 की संख्या पर यहाँ पर रहते हैं तो सीधी सी बात है कि कोई यदि मना करता है, रेलवे के अधिकारी तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुके हैं, GRP के अधिकारी पहले हाथ खड़ा कर चुके हैं, RPF के अधिकारियों ने भी किनारा कर लिया तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो है पूरे रायपुर रेलवे स्टेशन का ठेका ही उसे दे दिया गया है ये माना जा सकता है। अभी कुछ लोग भी हैं उनसे भी हम बात कर लेंगे कि लगातार यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, लगातार यहाँ पर जो है पार्किंग को लेकर जो विवाद की स्थिति बन रही है, क्या आप लोग के साथ भी कभी हो रहा है? बिल्कुल, ये आज जो व्यवस्था यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था जो बनाए है आज तक मैंने ऐसी कभी व्यवस्था रायपुर रेलवे स्टेशन में नहीं देखी। क्योंकि व्यवस्थाएं होती पार्किंग का जो ठेका होता है वो नो पार्किंग के लिए होता है ना कि नो पार्किंग के लिए। और यदि आप रायपुर राजधानी में देख रहे हैं यहाँ हर प्रकार के वर्ग आता है चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो वो एक यदि मान लो कोई अपने रिश्तेदार को छोड़ने आया है यदि वो 5 मिनट भी यहाँ पे रुकता है तो उसके बाद जो है उसको चपत लग रही है और लंबी चौड़ी चपत लग रही है, स्थिति मारपीट की नौबत आ जाती। कल मेरे रिलेटिव आए थे, कल वो पानी की बोतल छोड़ने के लिए 2 मिनट के लिए अंदर चले गए वो और वापिस आके देखे तो उनसे 250 रुपये की डिमांड की गई और जबरदस्ती जो है वहां झंझट की नौबत आ गई थी, 150 रुपये उनसे वसूल लिया गया, आखिरकार उनको 150 रुपये देना पड़ा तब उनकी गाड़ी छोड़े। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे रायपुर जैसी जो स्मार्ट सिटी बन रही है जहाँ पे पूरा देश यहाँ पे आता है और यहाँ पे लोग आते हैं, व्यापारी वर्ग भी आता है, हर प्रकार के लोग आते हैं, उनके साथ ऐसी ज्यादती हो रही है तो कहाँ ये रेलवे के अधिकारी क्या चाहते हैं? हमारी जनता को ये जो नियम कायदे बनाए जाते हैं जनता को सुविधा देने के लिए जो बनाए जाते हैं ना कि उन्हें परेशान करने। बदनाम हो रहा है इनकी हरकतों के कारण, आप लोग शिकायत किए थे RPF अधिकारियों से, रेलवे अधिकारी से या GRP के अधिकारी से? बिल्कुल, मेरे रिलेटिव ने जो है वहां जाके उनको बोला भी कि ऐसी ऐसी स्थिति, उन्हें हाथ खड़ा कर दिए, बोले हम लोग को यहाँ जानकारी नहीं, बोले यहाँ जाके रेलवे से आप जो है शिकायत करें। तो ऐसी स्थिति बार बार आ रही है और कई बार आने वाले समय में आप देखिएगा यह घटना जो है बहुत वृहत स्तर पर जो है ये रूप लेगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना में यदि कोई तबदलित हो जाए तो कोई असमंजस की बात नहीं रहेगी, यहाँ पे हो सकता है ऐसा कुछ घटना घटित हो सकती है। निश्चित रूप से बड़ी घटना भी तब्दील हो सकती है क्योंकि जिस प्रकार के विवाद की स्थिति बन रही है कुछ यात्री और भी हैं, आप लोग भी यहाँ पर आते हैं किस प्रकार से घटनाओं का सामना हो रहा है आप लोगों का? बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाती है। यहाँ मैं अपने परिवार के साथ आया था तो मेरे को गेट पे ऑटो वाला बोलता है मैं अंदर नहीं जाऊंगा भैया, मेरे को बहुत ज्यादा पैसे की वसूली करते हैं, मैं नहीं आ जाऊंगा। मैं पूरे परिवार के साथ, मेरे साथ लगेज ज्यादा था, मैंने कुली की और उसके ऊपर मेरे को अतिरिक्त बोझ पड़ा, आम जनता को इससे बहुत। तो बिल्कुल ये साफ तौर पर लोगों का देखिए किस तरह से कहना है कि यहाँ पर परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं, जनता को सुविधा देने के नाम पर इस तरह से मनमानी पैसे की उगाही की जा रही है। मनोज बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें रेलवे और पुलिस जानकर भी अनजान आखिरकार क्यों बनी है इस पर भी बड़े सवाल है। व्हील स्टॉपर आपने देखा किस तरह से लगा दिया जाता है, अगर कोई पैसे नहीं मत देता है 500, 1000 और कई बार तो 1500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, यानी आप अपनी गाड़ी यहां रख रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना पड़ेगा कि आप अगर आपके पास 1500
सौ 2000 रुपए हैं तो ही आप यहां पर गाड़ी रख सकते हैं। इस तरह की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली सामने आ रही है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या असर होता है। INS 24/7 लगातार ये खबर पर बना हुआ है और ठेकेदार की ठसक मनमानी से साफ तौर पर कहा जा रहा है। अगर बाइक है तो 50 रुपए और कई बार कार होती है तो 100 रुपए और इससे भी ज्यादा, यानी लोगों को देखकर पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 800, किसी से 1500 रुपए।